अगर आपके पास रात को उबला हुआ चावल बच जाता है ना, थोड़ा सा भी बचता है, तो ये जरूर ट्राई करें। जैसे मैं बना रही हूँ ना, एक बार जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मुझे तो इतना पसंद है ना, मैंने खुद बगल वाली दीदी से, मतलब वो बना के देती थी, तो मैंने कहा मैं भी एक बार बना के देखूं, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। आपको तो सारे पहले खड़े गरम मसाले ले लेने हैं, तेल डालना है सिर्फ 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से भून लेना है मसालों को डाल के, फिर आपको प्याज को पहले भूनना है, फिर आलू और मटर डाल देंगे, अच्छे से भून लेना है कम्प्लीटली। जैसे ही भून जाएंगे फिर हम डाल देंगे शिमला मिर्च, थोड़ा सा कैबेज, थोड़ा सा पालक और साथ में थोड़ा सा कैरेट, और इन सब को भी हमें अच्छे से भूनना है, कच्चा नहीं रखना है, मतलब अच्छा सा भून जाए, थोड़ा सा कच्चापन रहे, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा पत्ता डाल दिया, अभी सब लोग कमेंट करते मुझे कि ये क्या आप पत्ता काट के भी डाल सकती हो, तो मैंने बीच में ना भूनने के बाद काट दिया था। अगर आप चाहो तो भून के मसाला थोड़ा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, बट खड़ा मसाला ही डालना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यकीन मानना। अच्छे से भूनने के बाद आपको उबला हुआ चावल डाल देना है। लगभग मैंने 1 कटोरी चावल लिया था जो कि कल रात का बचा हुआ था, और बस फिर अच्छे से भूनना है अब इस चावल को, क्योंकि ठंडियां चल रही हैं तो बिल्कुल ठंडा हो जाता, मतलब एकदम से ठठोर जाता है, कड़क कड़क सा हो जाता, तो आपको अच्छे से भूनना है और फिर नमक डालना है। अगर आप चाहो तो चिली सॉस डाल सकते हो, तीखा खाना है तो, क्योंकि चिली सॉस ये टेस्ट बहुत अच्छा देगा इसका। और अच्छे से भून के नमक मिक्स करके, और हमें थोड़ा सा स्टीम में रखना है, मतलब 5 मिनट के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। आपको मसाले कोई भी नहीं डालना है यहाँ पर, ऐसे ही सिंपल आपको पका के इस तरीके से तैयार कर लेना है। फिर खूब सारा हरा धनिया डाल के आपको खाना है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर करना। एक तो इतना कलरफुल लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, और खाने में तो बहुत लाजवाब था। बाकी कमेंट करके बताना कि कैसा बना है, ट्राई करोगे तो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना, और कमेंट करके तो बता ही देना। बाकी रेडी है हमारा सिंपल वेज पुलाव, और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मसाला डाल दिया ना भुना हुआ, मतलब ये गरम मसाला खड़ा वाला डालते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेक्स्चर तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, रेडी हमारा वेज पुलाव।